गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु के एक एक वचन वो जो शिष्य अपने भीतर उतारता है उसकी जिंदगी में बदलाव होने लग जाता है। जैसे हम जोर जोर से बोलकर दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, इससे अच्छा यह है कि हम अच्छे अच्छे वचनों को बोल बोल कर पढ़ें और उनके उच्चारण से घर में भी शुद्धि होती है। तो गुरु जो चीज़ सिखाते हैं उन सब वचनों का हमें जो है उन्हें पढ़ना भी है, मनन करना है, चिंतन करना है और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना है। सदैव गुरु जो हैं उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे और हमारे घर में खूब समृद्धि आए, सौभाग्य की जागृति हो, गुरु का आशीर्वाद बना रहे। ये प्रेम का बंधन ही हमें तारेगा। कहते हैं कि तीन तरह के घोड़े होते हैं, एक है जो कोड़े मारने पर चलते हैं, एक होते हैं जो कोड़े की आवाज़ से चलते हैं और एक सिर्फ कोड़े की छाया देखकर ही चलना शुरू कर देते हैं। तो हमें किस तरह का बनना है ये हमें देखना है कि गुरु का बस इशारा हो और हम चल पड़े सत्य की राह पर, धर्म की राह पर और हमेशा हमेशा परमात्मा और गुरु के चरणों से जुड़े रहना, बस यही हमारी ज़िंदगी का मेन लक्ष्य रहे और हमारे अंदर वो सात्विकता उतरे। सिर्फ हम अच्छी अच्छी बातें ही नहीं करेंगे, हम खुद भी अच्छे बन जाएंगे। तो अच्छा बनना है और सदैव भक्ति करते हुए ईश्वर के अमृत को अपने जीवन में उतारना है।